17 शेरली रोड के 9 एपिसोड अब तक आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से सारे किरदार, मेरा मतलब है यहाँ रहने वाले सभी किरायेदारों से आपको मिलवा दूं। सबसे पहले मैं रवि, राइटर। जी नहीं, मैं इस सीरियल का राइटर नहीं हूँ, बल्कि इस सीरियल में एक राइटर का किरदार निभा रहा हूँ। क्या है, लाइफ में अपनी भी कुछ उम्मीदें हैं, एक प्यारा सा सपना है। सपना, उसका सपना मैं नहीं हूँ, निर्मल है। और निर्मल देखो, उसके तो बहुत सारे सपने हैं। ये छल और बल, तल और बल, खन्ना साहब के होनहार बेटे। ये जो फिल्मी स्टाइल में लड़ रहे हैं वो पति पत्नी है, जयंत और गुलन। ये गुलन जितनी सख्त दिल दिखती है उतनी सख्त दिल नहीं है। ये दरवाजे जयंत के लिए बंद है तो क्या हुआ, पर सफदर के लिए तो हमेशा के लिए खुले। पति, पत्नी और वो ये मंगेश अपना खास दोस्त, अपना तो इसी से ही चलता है। ये किसी का राज किसी को नहीं बताता, पर इसके बोलने से लोग बहुत डरते हैं। गुलन को डर है कहीं सफदर सपना का न हो जाए, और जैन को डर है कहीं गुलन सफदर के साथ। सब अपनी अपनी वजह से डरे हुए हैं। ये डर भी अजीब चीज है। वो मेरी नहीं। कैसा डरावना फिल्म लगाया है तुम लोग ने, बंद करो ना। टेरिफिक, व्हाट टेरिफिक, नॉट टेरिफिक, इट इज वेरी सिक। तो फिर क्या देखें अंकल? अरे हमारा टाइम जैसा फिल्म, स्वीट रोमांस, लव, गुड स्टोरी, गुड मॉरल्स, अभी क्या है, वायलेंस, फाइटिंग, टिश्यू फाइट। अरे अंकल आप समझो ना यार। अरे सुबह सुबह अपने अपने सड़े हुए मुंह देखने से अच्छा है थोड़ा बहुत खून खराबा देखे। क्यों अंकल? रमेश, एक जरूरी सूचना। ताजा प्राप्त खबरों के अनुसार बंबई के कई क्षेत्रों में दंगा फिर से भड़क उठने की आशंका है। पुलिस का कहना है कि ऐसी स्थिति में ये क्या हुआ? बिजली गुल हो गई। वेरी गुड, ये वायलेंट फिल्म भी बंद हो गया। क्या फिल्म है यार, जरा सोच। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता है, वो उसे मार भी सकता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस तरह की चीजों में औरतें बिल्कुल पीछे नहीं है। दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ लव। क्या बात करता है यार, औरतें ऐसे नहीं होती। बहुत कम जानते हो तुम औरतों के बारे में। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक शादीशुदा औरत ने अपने प्रेमी के लिए अपने पति का खून कर दिया है। What is this rubbish, bunkers news, तुम मर्डर का न्यूज सुनाता है। देखो ना, सफदर किधर है? सफदर ना, सफदर सो रहा है। सो रहा है? हाँ। 11:30 बज के अभी तक सोया है। वो क्या है, रात को लेट आया ना, वो दारू पी के टून था रात को, सारी रात नशे में गाने गा रहा था। हाँ। वो क्या गाना था? वो गाना क्या था, हाँ, आ गले लग जा फिर ऐसी हसीन रात हो ना हो, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात हो ना हो। वाह, ब्यूटीफुल, क्या गाना है। ये मदन मोहन का संगीत था ना? हाँ। I don't know, I'm not interested in Hindi music. अरे आजकल हम देखते हैं ये सफदर है ना, एवरी नाइट दारू पी कर आता है। What is the problem? ऐसा लगता है उसने अपने अंदर कुछ छुपा रखा है, and this thing, it's eating him up. अगर उसने अपने आप को नहीं बदला ना, तो ये दर्द है ना, उसे पूरा का पूरा खा जाएगी। न्यूज आ रहा है, देखने दो। बैठो बैठो यार। ताजा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार दंगा छिड़ गया है। शहर में कई जगह दुकानों को लूटा जा रहा है, मकानों को आग लगाई जा रही है। शहर में जगह जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है। यदि आपको अपने मोहल्ले में सायरन सुनाई दे तो समझ लीजिए कि आपका इलाका कर्फ्यू ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में बाहर निकलना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। क्या हुआ? ये लाइट कब आएगी? ओफो, ये भी आज ही होना था। कल रात से बहुत कुछ हो रहा है, रात गुजरात में भूचाल, सुबह दंगा और अब कर्फ्यू, और आज रात को लूनार एक्लिप्स यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। क्या बात है गुलन, बहुत थकी हुई लग रही हो। नो स्लीप लास्ट नाइट? सारी सारी रात जागना, सोचते रहना और परेशान होकर टहलना, स्कॉर्पियो नो, काफी बुरे साइंस है।
Well, मैं निकलता हूँ, मुझे अपना एक फिल्म का रोल डेवलप करवाना है। चा, मैं भी निकलता हूँ यार। ये जैन, यार यहाँ बिजली भी नहीं और ठंडी बहुत लग रही है ना। हाँ जैन, जैन चल। हाँ मैं निकल। अंकल हेनरी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठिए। Oh no, not again. मैं रातों को क्यों जागती हूँ, मैं रातों को क्यों परेशान रहती हूँ, इन सब पे कमेंट करने से पहले तुम अपने अंदर झांक कर देखो। मेरे अंदर तो खैर अब कुछ बचा ही नहीं, तुम ही अपने अंदर झांक लेना, वहां तो आजकल काफी कुछ हो रहा है। वैसे तुमने ठीक कहा जयंत, तुम्हारे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा और मेरे अंदर बहुत कुछ है। साहब अंधे पैदा हुए थे क्या? भाई साहब बाहर दंगा चल रहा है। अरे हमको ये दंगा और झगड़ा का बात नहीं सुनने का, प्लीज। नहीं, बाहर कर्फ्यू भी लगा हुआ है, मुझे शरण चाहिए। तो बैठ जाओ ना, कर्फ्यू बंद हो जाएगा तो चले जाना। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। भाई साहब यहाँ शिवाम्बुदान कक्ष कहाँ है? वो कौन है? आपकी भाषा में लू। ओहो अच्छा, इधर से पहले राइट जाओ फिर लेफ्ट जाओ फिर राइट। नहीं, और फिर मैं ढूंढ लूंगा, मैं खुद ढूंढ लूंगा। और फिर राइट। अरे लुंगी छूट जाएगी ना यार, दे देना मेरे पास एक पैसा नहीं यार। अरे यार ऐसा क्या करता है यार, देख मैंने कभी डुबाया क्या तेरा पैसा कभी? अरे इकट्ठा दे दूंगा ना यार। अरे उधार देने के लिए मेरे पास पैसा होता तो मैं नहीं देता क्या? अरे कसम से कहता हूँ मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। और वो दीवार के पीछे छिपा के रखा उसका क्या? कौन बोला भाई तेरे को? ये कौन बोला? बोलना, भड़क मत ना यार, छोड़ना हाथ, छोड़ना यार, थोबड़ा टूट जाएगा यार। देख एक बात बोलता हूँ, ऐसा इकट्ठा करके मरने के बाद छाती पे लेके जाने वाला है क्या? सत्य कहा आपने, ये मोह माया धन दौलत सब यहीं रह जाना है। सत्य तो बस ये है कि हर इंसान को एक दिन ऊपर जाना है और कौन जाने कब ये दुनिया छोड़नी पड़ जाए। आपकी तारीफ? वेदांत शास्त्री ज्योतिषी हूँ, भूत जानना वर्तमान पहचानना और भविष्य बताना मेरा पेशा है। रास्ता दीजिए जरा। शरीर चंचल होता है और मन भोला। जिस दिन तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन के आड़े आए, मैं तुम्हारा सीना चीर कर तुम्हारा दिल निकाल लूंगी, क्योंकि तुम्हारा दिल है ना वो मेरा है, सिर्फ मेरा है ना। राजी आप तन क्यों छुपा रहे हो? एक आदमी ऐसा आया है जो तन भी पढ़ लेता है और मन भी पढ़ लेता है। माने की होया? प्राजी एक तन मनवीर ज्योतिषाचार्य आया हुआ है। ज्योतिष का आचार आया हुआ? ओ माने ज्योतिषी आया है हमारे घर। हाँ प्राजी। ये बड़ा अच्छा हुआ है भाई। क्या है कि ज्योतिषी काल तो बताते ही हैं, आने वाला काल उसको चेंज भी कर देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस ज्योतिषी से मिलके ना हम अपना कल चेंज करवाते हैं और जिन्हें फुकरे रह रहे हैं ना घर में उनका करते हैं ठीक। गुलन तुम्हारे पास वो सरदर्द की दवाई है क्या? कल रात तुम कहाँ थे? दोस्तों के साथ था, सेलिब्रेशन कर रहा था। झूठ मत बोलो। हाँ मैं अकेला ही था, भूल जाना चाहता था मैं सब कुछ। सफदर के सर में दर्द हो रहा है, उसे दवा चाहिए। बड़ी खुशी की बात है, एक डॉक्टर को दवा चाहिए जो मेरे ही घर में मिल सकती है। मेरा मेडिकल किट खो गया है। सफदर सच क्या? पैसे कम पड़े थे, मैंने भेज दिया वो वेटर को सब कुछ। सब कुछ भेज दिया? नहीं सब कुछ नहीं, नाइफ्स और सर्जिकल ब्लेड्स बाकी हैं। ये अच्छा किया आपने, संभाल के रखिएगा, पहने धार की चीजें पहने वक्त पर बहुत काम आती हैं। लू का रास्ता इधर ही है ना कहीं? मुझे क्या मालूम, मैं ढूंढ लेता।
माफ कीजिएगा, इसके लिए इधर ही जाना है ना? अच्छा उधर। अब सुनिए, आप भी इसी मकान में रहते हैं ना? जी। काफी सुंदर जगह है, लेकिन ये जगह तो बड़ी खतरनाक है। बाप रे बाप, कोई यहाँ से गिरे तो सीधे गर्दन की हड्डी टूट जाए, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती। सबको मालूम है, ख्याल रखते। ख्याल रखते हैं तो ठीक है, लेकिन गिराया तो जा ही सकता है ना? क्या तुम सचमुच फ्यूचर बता सकता है? ये काम है मेरा। अच्छा तुम बताओ कल क्या हुआ था? कुछ खास बुरा नहीं। अच्छा आज क्या होएगा? अच्छा ही होगा। तो फिर बताओ कल क्या होने वाला है? ठीक ही होगा। तो फिर काय को तुम फिशिंग नेट के जैसा बात को इधर से उधर फैलाता है? फिशिंग नेट यानी कि जाल। हाँ? अरे ये पूरी दुनिया ही एक जाल है। कुछ मछलियां इसमें फंस जाती हैं, जो जाल को देख लेती हैं वो बच के निकल जाती हैं। अच्छा फिर हमारा फ्यूचर के बारे में तुम आप बता सकता है कुछ? अकेलापन है, साथ की जरूरत है, इंतजार करते हैं। आइए आइए आइए, मुझे आप ही लोगों का इंतजार था। मैं जानता हूं कि आप सब लोग अपने अपने बारे में जानने के लिए यहाँ आए। खैर आज की रात पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात है और इस मकान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मकान पश्चिम मुखा है, समंदर की ओर। पश्चिम से हवाएं समंदर के ज्वार भाटे को चूमती हुई इस मकान के अंदर आ रही हैं। मृत्यु की देवी आज यहां पर अतिथि बन के आने वाली है। एक अजीब सा धुंधलका सा छाया हुआ है जिसके पीछे छुपा है मृत्यु पाने वाला और मृत्यु दाता। मीनिंग? आज रात यहां कोई किसी को मार देना चाहता है। कौन मारने वाला है और कौन मरने वाला है मैं नहीं जानता। ओ भाई आज किसदा होना है टड़ी? निर्मल मुझे बहुत अफसोस है, सुबह मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। It's all right, सपना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। निर्मल मेरे साथ ऊपर चलो, छत पर, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। सपना, निर्मल ऊपर चलो। ए! क्या है? राजी मैं थोड़े वास्ते तकिया लेके आया है, एयर टाइट, हवा भी नहीं निकलती है। तुसी चेक करो। चेक करो ना।
पापा जी, मेरे को आज की रात बहुत डर लगता है। मैं इत्थे आपके पास ही सोएगा। अनी अनी। पापा जी, मैं इत्थे ही सोएगा। नींबू पानी है, तुम ही ने तो रखा था फ्रिज में। नहीं मुझे नहीं पीना, तुम पी लो। पी लो, यू फील बेटर। नहीं मुझे नहीं पीना। ठीक है मैं पी लेता हूँ। पी पी ले, पी पी। सिर्फ नींबू पानी है, नींबू पानी। I love you, Safdar. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं पीना है मुझे, नहीं पीना है। नहीं पीना तो सो जाओ। तुम सो जाओ। मैं क्यों सोऊँ? तुम सो। निर्मल, मुझे जोशी की बातों से बहुत डर लग रहा है। क्यों? मुझे कई दिनों से ही डर लगा हुआ है। मेरी मौत से शायद किसी को फायदा। किसको? मुझसे पैसे तो नहीं मिलेंगे किसी को, लेकिन शायद छुटकारा मिल जाए। मैं तुम पे इतना शक क्यों करती हूँ? अंकल हेनरी, ओ भाई क्या सोचा हुआ है तुम लोगों ने? हमारे बाप दादा की जायदाद पे यूं कब्जा कर लोगे? ओ भाई कानून नहीं निकाल सकता तो हमें निकालने के और तरीके भी आते हैं। राजी, इसको अभी काट दे। हाँ भाई, आज उम्र के हिसाब से कटाई होगी। ये बुड्ढा पहले जाएगा। एक दो तुम आप रुक नहीं कर सकता। हमारा रिलेशन में ऐसा कील नहीं कर सकता। डॉक्टर बात कील। ओके। ओ भाई 6 इंची की कील निकालो। इसको इसके हिसाब से क्रूसीफाई करेंगे। निर्मल मैं पागल हो रही हूँ, निर्मल मैं पागल हो रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर मैं न रहूं तो तुम भी न रहो। आखिर हमें साथ ही रहना है ना, चाहे यहाँ रहे या वहां। हाँ हाँ, ये क्या कर रहा है रवि? तू तुम्हारे पैसे ले रहा हूं। रवि ये पैसे मुझे वापस दे दे। ना ना रवि, ये पैसे मुझे वापस दे दे। देख ए मंगेश, देख देख, पैसे में कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी की बहन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। देख पैसे में कोई किसी का नहीं है। देख मेरे चेहरे पे है कुछ है? कुछ नहीं है। कोई 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 कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो निर्मल, पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू हो गया। सपना, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जब तुम आंखें खोलोगी तो एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर हम इस काले काले चांद को देखेंगे। अब मैं आंखें खोल रही हूँ निर्मल।
आंखें खोल रही हो? खोलूं? निर्मल, निर्मल! रवि मुझे मत मार, क्या कर रहा है रवि? रवि मत ऐसा मत कर, छोड़ दे रवि मुझे। सपनों में भी ये दड़ियल गुलन मेरे बीच में आ रहा है। क्या मैं जिंदा हूँ गुलन? अरे गुलन तो जिंदा है। अरे सब बच गए, वो मरा कौन? मैं बच गया? ये सच है या सपना? उस रात के बाद हमने दोबारा उस आदमी को कभी नहीं देखा। वो गायब हो गया था या सुबह कर्फ्यू खुलने की वजह से चला गया था पता नहीं, पर उस दिन मौत के डर से हम अच्छी तरह जान गए थे कि हम एक दूसरे को कितना पहचानते हैं। दलबल की लैंग्वेज में कहे तो हम लोगों का हो गया था टिडिंग।